अभी फिलहाल चैप्टर वन का जो कल लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे दैट आई एम डिस्कसिंग वंस अगेन, हमें गिवन था y इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन, बाय टू हमने किया था, टू वाई इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू रूट थ्री, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की थी, सो वी गॉट फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री, एंड फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू कॉमन ले लोगे, दिस इज टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमने कल कर लिया था। अब उसने क्या कहा कि अगर y की ये वैल्यू है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर वाई क्यू प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस टेन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो है, हम क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर लगाएंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, छोटी क्लासेस में भी की हुई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमेंडर, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे ये आपका क्या होगा डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट जब आप करोगे तो आपका वो पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमें वाई गिवन था पहले हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया, अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, सो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन आती है ना लॉन्ग डिवीजन एट में की होगी, हाँ जी बच्चे बीच में प्लस माइनस के साइन है ना, तो फिर इसलिए वैसे नहीं आप डायरेक्ट कर सकते। चलो अब देखो हमारे पास जब आप डिवाइड करते हो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि इनकी जो पावर्स का ऑर्डर है दैट शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन केस अगर y की कोई पावर मिसिंग है तो उसको जीरो टाइम्स दैट पावर ऑफ y लिख लेंगे, पावर टू पावर वन पावर जीरो सीक्वेंस में है, पावर थ्री टू वन जीरो सीक्वेंस में है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। अब फर्स्ट जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है दैट इज थ्री, यहाँ पे डिग्री क्या है टू, यानी कि वन और हमें चाहिए तो वाई आ जाएगा, यहाँ टू है यहाँ फोर है तो टू वाई से आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं डायरेक्ट समझ आता आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट लो इसका फर्स्ट लो दोनों को डिवाइड करो, फोर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई टू वाई स्क्वायर, ये आपका कट गया, टू वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इज वाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया टू वाई से मल्टीप्लाई करना, अब ये सभी की सभी टर्म्स जो है वो 2y से मल्टीप्लाई होंगी, तो वी विल बी हैविंग 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y, देन ऑल द साइंस आर चेंज्ड, ये कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट 4 प्लस 2 6y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 10, अब 6y स्क्वायर मुझे चाहिए 2y स्क्वायर है मेरे पास, तो अगेन डिवाइड करो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6 by 2 is 3, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा यहाँ पे दैट विल बी 3, सो दिस इज 6y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3, अगेन चेंज द साइंस, ये कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 13, सो द रिमाइंडर इज 13 एंड द क्वेश्चन इज 2y प्लस 3, अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल री राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दैट डिविजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ डी होते हैं कुछ बच्चे टी लिखते हैं, यू आर टू जस्ट टेक केयर ऑफ,
Now put the values. Divisor is 2y square minus 2y minus 1. Quotient is 2y plus 3 and the remainder is 13. Yani ki dividend kya tha hamara? 4y cube plus 2y square minus 8y plus 10. Dividend is equal to this into this. Hame iski value find out karni thi. To ab jab hum isko simplify kar lenge, hamare paas ye value aa jayegi. अब ये इक्वेशन वन लो. इक्वेशन वन क्या कह रही है? टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन किसके इक्वल है? जीरो के. तो ये बन गया जीरो इंटू टू वाई प्लस थ्री प्लस 13. यहाँ पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन वन. सो दिस इज अगेन जीरो प्लस 13. तो इस सारे की वैल्यू क्या आ गई? 13. इन केस अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करते हो, वो आपकी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. गलत वो भी मेथड नहीं है, बट उसमें कैलकुलेशंस टफ हो जाती हैं. दैट्स व्हाई वी हैव गॉन फॉर दिस मेथड. ठीक है. कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को. Now we are starting with the revision of chapter number 4. Karne? 4. Ye kar do erase. Chaliye, starting with the revision of chapter number 4 now. चैप्टर नंबर 4 में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं 1-1 मार्क वाले, वो ध्यान से करने हैं. पॉलिनोमियल्स किया हुआ है ना, जीरोस क्या होते हैं उसमें? जीरोस वर्ड सुना हुआ है? सॉल्यूशन नहीं सुना हुआ? मान लो मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ठीक है. इफ आई से दैट 3 बाय 2 इज अ जीरो ऑफ दिस, तो व्हाट डज इट मीन? हां जी, सॉल्यूशन है वो उसको. यानी कि अगर मैं x को 3 बाई 2 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो p ऑफ x मेरा क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है. इट मींस कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस किसी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उस वेरिएबल के किसी पॉइंट पे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, तो वी से दैट दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है? हमारे पास कोई ना कोई, यू कैन से कि एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, तो वहां पे जो है हम उसमें, मतलब इक्वेशंस में जब हम वर्ड यूज करते हैं, हम जीरो वर्ड यूज ना करके हम उसके लिए रूट्स वर्ड यूज करते हैं. पॉलिनोमियल्स में जहां पे उसकी वैल्यू जीरो बन रही है, उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम कहते हैं कि दैट इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. और इक्वेशन जहां पे वो जीरो बन रही होती है, तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम जीरो वर्ड ना यूज करके हम रूट वर्ड यूज करें. मीनिंग दोनों का सेम है कि दोनों उनको सेटिस्फाई कर रही है, बट इक्वेशन में रूट वर्ड होगा. अब पॉलिनोमियल की बात करोगे तो जीरो वर्ड होगा. उसके बाद इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको पता है, लीनियर इक्वेशंस पता है क्या होती हैं, सॉल्यूशंस उनके पता है. ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन. व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी सी? ए बी सी किस टाइप की वैल्यूज होती हैं आपकी? रियल नंबर्स. एंड और क्या कंडीशन होती है इनकी? एक्स और वाई कैन नॉट बी जीरो, और ए और बी कैन नॉट बी जीरो. एक्स एंड वाई जीरो नहीं हो सकते. क्यों?
मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली, ये ले ली, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू जीरो. अब क्या x और y की वैल्यू 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही? सो हाउ कैन यू से कि x एंड y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो? कैसे? ए और बी के लिए फिर ये चीज तो होगी ना. एक्स और वाई की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है. यू विल से अबाउट दिस ए एंड बी की ये आपके जो है साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते. ठीक है, अगर मुझे ये इक्वेशन गिवन है, मान लो 7y इज इक्वल टू 14 गिवन है, तो आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. लिख सकते हैं ना इसको, रीराइट करते हैं हम. लेकिन अगर मुझे मान लो ये गिवन है 14 इज इक्वल टू 14, तब ये लीनियर इक्वेशन आपकी नहीं बन रही. गॉट दिस पॉइंट? तो मतलब ए और बी आप लेके चलोगे कि वो जीरो नहीं ले. क्लियर है ये? तो ए और बी जो है दैट शुड बी नॉन जीरो. एक्स और वाई के लिए नहीं आपको होगी. एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यूज आपकी हो सकती हैं. दैट डिपेंड्स ऑन की किस इक्वेशन किस टाइप की आपको गिवन है. तो इक्वेशन में जो भी वो सेटिस्फाई होंगी एक्स और वाई की वैल्यूज, दैट विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें इसमें से बताना है कि विच ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स इंटू एक्स प्लस टू. लिख लो इसको, एक्स इंटू एक्स प्लस टू is equal to 2x into x minus 7. Is it a linear equation? This is minus 7. Is this a linear equation? Linear के लिए हम क्या करते हैं उसको, यहां देखो x into x plus 2 है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको simplify करके देखना पड़ेगा. x square plus 2x and here. अब इसको simplify करो again. Is this a linear equation? Quadratic बन गई है, तो बिना solve किए आप उसको check नहीं करोगे कि वो linear है या नहीं है. ये वाली टाइप कर लोगे. चलो अब एक्सप्रेस करना है हमने गिवन स्टेटमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 20 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेन. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 20 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ट्वेंटी मोर प्लस 20 कर दिया then cost of pen. pen के cost को क्या करेंगे, x मान लेंगे और notebook के cost को y मान लेंगे, because we are to express this in the form of two variables. so cost of notebook y, cost of pen x और plus 20. so ये आपकी linear equation form हो जाएगी. next आप बताएंगे अब मुझे, cost of a pencil is 2 rupees less then half the cost of a fountain pen. cost of a pencil is 2 rupees less than cost of a fountain pen. two rupees less than half the cost of fountain pen. अब बताओ. ओके, वाई नहीं ले सकते, वाई ले लो. वाई इज इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, दैट इज योर विश. वाई इज इक्वल टू मैं जो इक्वेशंस बनवाती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि वाई जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक्स इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब कि मैं एक्स की वैल्यूज पुट कर रही हूँ तो मुझे वाई की मिलती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट.
कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 75 पर लीटर. कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन विद एक्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट इन रुपीज. दोबारा सुन लो. कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 75 पर लीटर. वन लीटर की कॉस्ट हमें 75 गिवन है. कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन विद एक्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट. यस, वाई इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स. देखो, वन लीटर की कॉस्ट मुझे कितनी गिवन है, रुपीज 75. तो एक्स लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 75 मल्टीप्लाइड बाय एक्स. अब ये किसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू 75 एक्स. सो विल यू बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? नेक्स्ट टाइप उठाएं. अब राइट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. यहाँ पे ये भी आ सकता है कि राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस. फर्स्ट मुझे गिवन है एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू रूट टू वाई. एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू रूट टू वाई. एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म and find the values of a, b and c. Standard form ax plus by plus c equal to 0. Yes, equal to 0. So comparing this with ax plus by plus c equal to 0, a will be 1, b with the sign in hai, very good, c माइनस फोर. सो क्लियर. नेक्स्ट है टू एक्स इज इक्वल टू वाई. प्लस जीरो भी लिख सकते हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग. यहां लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है. अब ए x प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a विल बी अगेन एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इफ वी एड 5 टू द न्यूमिरेटर and subtract 5 from the denominator, the fraction reduces to 1 by 7. 5 numerator mein add kar rahe hain, denominator se subtract kar rahe hain, so fraction jo hai that becomes 1 by 7. Numerator mein addition hai, denominator mein subtraction hai. Haan ji. Jab bhi is tarah ke questions hai, fraction ko hum maan lenge x upon y. अब वो क्या कह रहे हैं कि 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/7. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर. चलें अगले पे. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. x प्लस वाई इक्वल टू 9. Father's age is 3 times the sum of the ages of his two children. Father's age is three times the sum of ages of his two children.
क्या क्वेश्चन है? फादर्स एज इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. दो वेरिएबल्स रखने हैं. वी आर टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स. फादर की एज वाई मान लें, दैट इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट वाई. सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन मैंने एक्स मान लिया, उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको इससे किया. ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो. जेड इज इक्वल टू यू वर सेइंग दिस थिंग, यही कह रहे थे ना आप. अब ये दो वेरिएबल्स को एक थर्ड वेरिएबल से रिप्लेस. गॉट इट? मतलब सम ऑफ एजेस को आपने एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, चाहे डायरेक्ट ले लो चाहे ऐसे करके. ठीक है, नेक्स्ट. एन ऑब्ट्यूज. हाँ जी, या 3x - y = 0. एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी एक्सप्रेस करने हैं. एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल, इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल. वाई इज इक्वल टू 2x. y obtuse angle मान लेंगे तो that is the twice of its acute angles. parallelogram में you know opposite angles क्या होते हैं, equal होते हैं. ये अगर ये obtuse है तो this will also be obtuse, this will be acute and this will be acute. ये आपस में equal है, ये आपस में equal है, तो obtuse angle is twice of the x is equal to 2y भी ले सकते हो, that is up to you. In a cyclic quadrilateral ABCD, angle A is 2x + 4° and angle C is 2y + 10°. Express the following statement in the linear equation in two variables. Cyclic quadrilateral की क्या property होती है? साइक्लिक का मतलब सारे उसके वर्टिसेस सर्कल पे आ रहे हैं. अगर सर्कल नहीं गिवन है तो इट मींस उसके जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180. अब ये मैंने ए लिया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. तो ए और सी क्या है? दीज आर द ओपोजिट एंगल्स, तो इनका सम क्या होगा? 180 degree. तो एड देम एंड इक्वेट देम इक्वल टू. Simplify and get your answer. Clear? चले आगे. अब find the solutions है. Find the different solutions for the given equations. Equation मुझे given है 2x + 5y = 0. 2x + 5y = 0. 4 different solutions निकाल. क्या हो गया पिछले वाले की बन गई? चलो ये बताओ. Find 4 different solutions for the given equation. 2x + 5y = 0. x 0 पुट किया तो y भी 0, 5y = 0 आ गया ना.
इंटू जीरो प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आया फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट हाँ जी, एक्स को वन पुट किया तो टू इंटू वन प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस टू बाय फाइव, और इंटेग्रल वैल्यू भी दो। अब मुझे अब इंटेग्रल वैल्यू चाहिए, मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए। वेरी गुड, एक्स को फाइव पुट करोगे ये टेन आ जाएगा, टेन प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल टू माइनस टू। नहीं, प्लॉटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है हमें, अदरवाइज जस्ट अगर सॉल्यूशंस पूछे यू कैन गिव, बट जब आप इनको प्लॉट करते हो ना ग्राफ पे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अभी तो चलो फाइव से डिवाइड हो रहा है तो 0.4 और 0.8 हमें मिल रहा है, दैट वी कैन प्लॉट अगर हम 10 10 का वो लेके चलते हैं एक स्केल पे, लेकिन अगर वो वैल्यू मान लो 2/3 आ रही है तो दैट इज 0.66666 रिपीट हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ नंबर्स जो फ्रैक्शंस हैं आपकी वो प्लॉट करनी डिफिकल्ट होती हैं, तो ऑलवेज गो फॉर द इंटेग्रल वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, उसने हमें कहा कि वाई इज इक्वल टू 3x + 5 है, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए जो गिवन है वो बताने हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, वाई इज इक्वल टू 3x + 5 हैज फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशंस, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड वाई, यस बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, इक्वेशन गिवन है x - 2y = 4, x - 2y = 4, पॉइंट्स गिवन है √2, √4. चेक इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, एक्स को क्या पुट करोगे √2, वाई को क्या पुट करोगे √4. जब आप अल्फाबेट्स लेते हो, लेटर्स बोलते हो उसके, तो एक्स हमेशा वाई से पहले आता है, तो जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, सो दिस इज √2 -2 × √2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड 4 फिक्स्ड है, तो दिस इज √2 - 8√2, दैट इज -7√2, नॉट इक्वल टू 4, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट चेक करिए -4, 0 -4, 0, ये आप खुद करोगे, चेक इफ इट -4, 0। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी में चेक करना है, x - 4, y 0, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नो, सो दिस इज अगेन नॉट अ सॉल्यूशन। अब ये ध्यान से सुनना, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, इफ y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया होगा आपने फिजिक्स में,
क्या होता है उसमें? हाँ, अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. अब इसमें उसने क्या कहा, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स. जब आप ये हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो क्या लगाते हैं बीच में? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हो, तो वाई इक्वल टू के टाइम्स एक्स आ गया. अब वो क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है किसके लिए, दैट इफ वाई इज 12, y is 12 when x is equal to 4. इन वैल्यूज को क्या करेंगे? हाँ, इसमें पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की. तो वी कैन फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. सो पुट x, y is equal to 12, 4k, k कितना आ गया, 3. यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, y is equal to 3x. अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं. ग्राफ प्लॉटेशन हम कल करेंगे, अभी सिर्फ सॉल्यूशंस देखेंगे. ये हो गया, चले अगले पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. फाइंड k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k. k is equal to 7. x को 2 put कर दो, y को 1 put कर दो, तो k कितना आ जाएगा, 7. Write two solutions of the linear equation ax minus by equal to 2ab. ax minus by equal to 2ab. Write any two solutions. Solutions निकालने हैं हमें इसके. एक्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab. ये रह जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, वाई क्या आ गया, माइनस 2ab. वाई को जीरो पुट करोगे तो ए एक्स इज इक्वल टू 2ab. एक्स इज इक्वल टू 2b. दो सॉल्यूशंस पूछे थे उसने, तो पहला सॉल्यूशन क्या बना, जीरो कॉमा माइनस 2a. सेकेंड सॉल्यूशन लास्ट वो आए, सेकेंड सॉल्यूशन क्या बना, 2b कॉमा c. ठीक है, क्लियर? अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग. हम यहाँ पे x को a पुट करें अगर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं करना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी. हम यहाँ क्या करेंगे, x को b पुट कर सकते हैं क्योंकि इधर ab है. तो जब आप x को b पुट करोगे, व्हाट वी विल हैव, ab माइनस by इक्वल टू 2ab. ये उधर जाएगा, माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी हो गया, बी से बी कट गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए. व्हेन एक्स इज बी, वाई इज माइनस ए. तो इस तरीके से आप और सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग एज द बेल हैज गॉन. थैंक यू.